अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्टीज। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सक्सेशन। बेसिकली इस वीडियो में हम सक्सेशन की बेसिक टर्म्स को देखेंगे, जो कि सक्सेशन के डिटेल्ड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। सक्सेशन क्या होता है? द डिवेलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, एक कम्युनिटी का डेवलप करना। अब वो कम्युनिटी डेवलप कैसे करेगी? बाय द एक्शन ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, एक्शन ऑफ वेजिटेशन मीन जो हमारे पास वेजिटेशन, जो प्लांट ग्रोथ है, प्लांट्स के अंदर जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं और प्लांट्स एक फॉर्म से नई फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, और वो चेंजेस क्या कर रही हैं? इन्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं। ठीक है, अब जब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वही इन्वायरमेंट उन स्पीशीज़ के लिए अनफेवरेबल बनता जाएगा, जिसकी वजह से नई स्पीशीज़ इवोल्व होंगी। ठीक है, तो ये जो नई स्पीशीज़ का इवोल्व होना है, या कम्युनिटी, एक कम्युनिटी का किसी दूसरी कम्युनिटी में चेंज होना है, इसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉजेज़ ऑफ सक्सेशन है, जो कि सक्सेशन की वजह बन रही हैं, इनिशियल कॉजेज में हमारे पास है क्लाइमेटिक कॉजेज और बायोटिक कॉजेज। क्लाइमेटिक में को हम दूसरा नाम ए बायोटिक कॉजेज का भी दे सकते हैं। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? इरोजन, विंड, फायर, डिपॉजिट्स जो किस वजह से हो रहे हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ या फिर लाइटनिंग की वजह से। वो उसके बाद हमारे पास है बायोटिक कॉजेज, इसमें हमारे पास क्या आती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास एक इकोसिस्टम है वो किसी भी स्पीशी या उसके ऑर्गेनिजम्स के लिए अनफेवरेबल होता जाएगा, जिसकी वजह से वो स्पीशी क्या करेगी? खुद को इवोल्व करेगी ताकि वो उस इन्वायरमेंट में खुद को सर्वाइव कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसेसिस और कंटिन्यूइंग कॉजेज। इसमें क्या है? कुछ प्रोसेसेस जैसे कि माइग्रेशन, एग्रीगेशन, कंपटीशन, रिएक्शन और इसेसिस, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास एनवायरनमेंट है उसके अंदर चेंजेस आती हैं। जैसे हमारे पास सोइल है, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, उसके डिफरेंट फीचर्स में चेंजेस आएंगे, उसके ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, उसके मिनरल्स में। ठीक है, मिनरल्स बढ़ते जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उनके अंदर क्या होगी? सक्सेसिव वेव्स ऑफ पॉपुलेशन होंगी, उनके अंदर भी सक्सेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद हमारे पास है स्टेबलाइजिंग कॉजेज। अब ये नाम से जाहिर है स्टेबलाइजिंग निकला है लफ्ज़ स्टेबिलिटी से, किसी भी चीज़ का स्टेबल हो जाना, मुस्तहकम हो जाना अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, दीज इंक्लूड फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट ऑफ द एरिया विच रिजल्ट इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। अगर एक क्लाइमेट है एक स्पीशी के लिए फेवरेबल है, लाइक अगर हॉट क्लाइमेट है तो एक ऐसी स्पीशी जो कि हॉट इन्वायरमेंट में खुद को सर्वाइव कर सकती है, तो वो उसके लिए एक स्टेबल इन्वायरमेंट बन जाएगा, एक जो कि उसकी स्टेबलाइजेशन कोर्स करेगी। ठीक है, या फर्ज करें एक हमारे पास ऐसी स्पीशी है जो कि कोल्ड इन्वायरमेंट में रह सकती है, तो अगर उसको कोल्ड इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो उस एरिया की या उस इन्वायरमेंट की, उस इकोसिस्टम की वो एक स्टेबल स्पीशी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ही स्टेबलाइजिंग कोर्सेस। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास सक्सेशन है उसकी टाइप्स कौन सी हैं, जो बेसिक टाइप्स हैं। अब ये हमारे पास हैं सक्सेशन की टाइप्स, बेसिक टाइप्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि ये ऐसी कॉलोनाइजेशन है एक ऐसी एरिया में जो कि बैरन एरिया, बिल्कुल जहाँ पर पहले कभी भी कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ही सपोर्ट नहीं करता था लाइफ फॉर्म को। जैसे अगर हम बात करें 4 बिलियन ईयर्स अगो की बात करें, जब अर्थ का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सके, क्योंकि वो बहुत हॉट इन्वायरमेंट था, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से वहाँ पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे अर्थ ने ख़ुद को इवोल्व किया, हॉट इन्वायरमेंट कोल्ड इन्वायरमेंट में चेंज होना शुरू हुआ, तो वहाँ पर लाइफ फॉर्म स्टार्ट होगी। ठीक है, जहाँ वहाँ पर जो पहली लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने लगी वो प्रोकैरियोट्स लाइक आर्किया और बैक्टीरिया थे। ठीक है, तो जो हमारे पास बैरन एरिया पर लाइफ फॉर्म स्टार्ट होती है, जहाँ पर पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, इस फॉर एग्जांपल लैंड कवर्ड बाय कूल्ड लावा आफ्टर ए वोल्केनिक इरप्शन, आतिशफिशा के फटने के बाद जो हमारे पास लैंड है उसके ऊपर जो लावा फ्लो करता है वो जब कूल हो जाएगा, ठीक है, अगर उस कूल्ड लावा के ऊपर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने लगे तो हम उसे बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन हो गया। वहाँ पर न्यूली एक्सपोज्ड रॉक और सैंड ड्यूनस वेयर दी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस मे नॉट बी फेवरेबल इनिशियली। रॉक्स और सैंड, आपको बताए रॉक्स के ऊपर कंडीशन होती हैं बहुत ही एडवर्स होती हैं, ड्राई कंडीशन होती हैं, अगर वहाँ पर भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने लगे तो वो भी क्या होगी? प्राइमरी सक्सेशन। उसके बाद हमारे पास इंतहाई इम्पॉर्टेंट और कह लें आप फेमस एग्जाम्पल हमारे पास है सक्सेशन अराउंड ग्लेशियर बे
अकर्स ऑन न्यूली एक्सपोज्ड जियोलॉजिकल सबस्ट्रेट्स। अब जो हमारे पास ग्लेशियर बे है, ये क्या चीज़ है? देखें, अगर हमारे पास एक फ़र्ज़ करें सी है, वो फ्लो कर रहा है और वो क्या करता है, अपने रास्ते से एक इनलेट बना लेता है, ठीक है। उसका स्ट्रेट पाथवे था, लेकिन वो रास्ते से क्या बना रहा है, एक नैरो पाथवे बना रहा है। हमारे पास है ये इनलेट है, यहाँ पर सी वाटर जाएगा, ठीक है, और ये सराउंड की ये कर्व्ड जो लैंड है ना, इसे हम बोलते हैं बे, ठीक है। अब इस कर्व्ड लैंड के अराउंड यहाँ पर साइडों पर अगर हमारे पास जो आइस है वो अकेमुलेट होना शुरू हो जाए, तो यहाँ पर डेंस बॉडी बन जाएगी आइस की, इसे हम बोलते हैं ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक एरिया बन गया, इसे हम बोलेंगे ग्लेशियर बे। और जो हमारे पास ग्लेशियर बे है, इसको सबसे पहले विज़िट किया था 1794 में एक रॉयल नेवी ऑफिसर था, जिसका नाम था कैप्टन जॉर्ज वैनकोवर, ठीक है, जिसने ग्लेशियर बे को सबसे पहले विज़िट किया था। और उसके बाद उसके कुछ सक्सेसर्स थे लाइक जॉन मुयर, और उसके बाद हमारे पास विलियम कूपर था, उसने भी विज़िट किया। और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें बताया कि जो ग्लेशियर बे हैं, ये प्राइमरी सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन को स्टडी करने के लिए एक्सीलेंट और आइडियल लेबोरेटरीज़ हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है सेकेंडरी सक्सेशन। अब जो हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन है, ये कहाँ पर होती है, जहाँ पर पहले तो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती थी, लेकिन किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से या किसी भी और वजह से लाइक बर्निंग, ओवर ग्रेजिंग, क्लियरिंग, फैलिंग ऑफ ट्रीज, सडन चेंजेस इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में अचानक से जो चेंजेस आई हैं उसकी वजह से वो जो हमारे पास कोई भी कम्युनिटी थी वो क्या हो गई है, बैरन हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगर ऐसे एरिया में इसके बिल्कुल क्लियर होने के बाद अगर कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। अब सेकेंडरी सक्सेशन की एग्जांपल हमारे पास है वुडलैंड आफ्टर ए हिल फायर और फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर या हिल फायर के बाद अगर उसी एरिया में दोबारा से फॉरेस्ट ग्रो करने लगे तो वो क्या होगी, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज़ फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन बिकॉज ऑफ बेटर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर कंडीशंस इन एरिया प्रीवियसली अंडर प्लांट कवर। अब इसमें हम ये कंसेप्ट है कि जो हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है बनिस्बत प्राइमरी सक्सेशन के, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में हो रही है जहाँ पर पहले से सोइल मौजूद थी, जहाँ पर पहले से एक लाइफ एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो तो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रक्शन होगी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उन जो प्रीवियस प्लांट्स से या प्रीवियस कम्युनिटीज़ थी उनके रेमिनेंट्स मौजूद हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक मैटर सब कुछ मौजूद है, तो वहाँ पर लाइफ फॉर्म या फिर वहाँ पर ग्रोथ रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है दो कम्युनिटीज़ हैं ऐसी, पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो पायनियर कम्युनिटी है इसका ताल्लुक बेसिकली प्राइमरी सक्सेशन के साथ है। देखें, प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में हो रही है जहाँ पर पहले लाइफ फॉर्म बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो पायनियर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी या ऐसा ऑर्गेनिज्म, पहला ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ऐसे एरिया में कॉलोनाइज करे जहाँ पर पहले कभी भी लाइफ फॉर्म नहीं थी, ठीक है। अब वो जो पहला ऑर्गेनिज्म या पहली कम्युनिटी जो एक न्यू जियोलॉजिकल सरफेस में बनेगी, उसे हम क्या बनेंगे, पायनियर कम्युनिटी। इसकी एग्जांपल हमारे पास है लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं, जो हमारे पास रॉक्स होती हैं, ठीक है, रॉक्स के ऊपर जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है वो होती है क्रस्टोस लाइकन, ठीक है। अब जो क्रस्टोस लाइकन है, इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये एडवर्स कंडीशन और ड्राई कंडीशन को बियर कर सकें। उसके बाद हमारे पास है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब हमारे पास पायनियर कम्युनिटी तो बन गई, अब वो जो पायनियर कम्युनिटी है वो अपने इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। अब वो इकोसिस्टम के साथ इतना इंटरेक्ट करती है कि वही इकोसिस्टम एनवायरनमेंट उसके लिए अनफेवरेबल बन जाता है। अब जब इन्वायरमेंट या फिर इकोसिस्टम हमारे लिए अनफेवरेबल बन जाएगा तो एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीशी का मेंबर वहाँ पर कैसे एग्जिस्ट कर सकेगा। अब कुछ मेंबर्स उस स्पीशी के या उस कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स जो कि उस इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को अडेप्ट कर लेंगे तो वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, इवोल्व हो जाएंगे, लेकिन वो मेंबर्स जो कि उस एनवायरनमेंट में ख़ुद को सरवाइव नहीं करवाएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी में चेंज हो रही है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। इसी तरह अब जब न्यू कम्युनिटी आएगी वो भी क्या करेगी कि अपने एनवायरनमेंट को इस कदर चेंज कर देगी, उसके साथ इतना इंटरेक्शन करेगी कि वो एनवायरनमेंट उसके लिए भी अनफेवरेबल बन जाएगा, ठीक है। अब जब वो एनवायरनमेंट उसके लिए अनफेवरेबल बन जाएगा तो उसकी उस कम्युनिटी के भी मेंबर्स क्या करेंगे, जो सरवाइव करेंगे वो इवॉल्व हो जाएंगे और एक नई कम्युनिटी बन जाएगी, और जो उसके वो मेंबर्स जो के
नहीं सर्वाइव कर पाएंगे वो क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब जिनकी डेथ होती जा रही है वो नए स्पीशीज़ जो बन रही हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए किसका काम करेंगे? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बनता जाएगा। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि एक ऐसी कम्युनिटी बन जाएगी जो कि बिल्कुल स्टेबल होगी। ठीक है, अब उस स्टेबल कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसिस पर। फर्ज करें हमारे पास एक कम्युनिटी है, वहाँ पर क्या मौजूद हैं? लाइकन्स। ठीक है, अब वो जो लाइकन्स हैं उनके बाद एक नई कम्युनिटी आती है जिसे हम बोलते हैं मोसिस। ठीक है, फर्न्स, फिर हमारे पास क्या आएंगे? हर्ब्स, श्रब्स एंड देन ट्रीज। ठीक है, अब ऐसी कम्युनिटी के अंदर क्या होगा? जो हमारे पास ट्रीज़ हैं ये क्या हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैं। लेकिन अगर एक ऐसी कम्युनिटी है वहाँ पर सिर्फ लाइकन्स, मोसिस या फिर फर्न्स हैं, सिर्फ इतनी सी कम्युनिटी है कि लाइकन से मोसिस बने और मोसिस से क्या बने हैं? फर्न्स, तो यहाँ की जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो क्या होगी? फर्न्स। और ये जो प्रोसेस है कम्युनिटी के चेंज होने का, ये एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पायनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट। अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल हमारे पास है, ऑन वेल ड्रेन्ड स्टीप स्लोप्स द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ हेमलॉक फॉरेस्ट। ठीक है, इन पुअरली ड्रेन्ड सोइल, मतलब पुअरली ड्रेन्ड है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ड्रेन्ड है, बल्कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर भी है, वहाँ पर जो हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो क्या होगी? मस्केज। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी जो हैं वो शेयर कर दूंगी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये आखिर कौन सी स्पीशीज़ हैं, कौन से किस किस्म के प्लांट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, ऑटोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है? द कोर्स ऑफ सक्सेशन इन विच वन कम्युनिटी इटसेल्फ मॉडिफाइज इट्स ओन एनवायरनमेंट। ऐसी सक्सेशन जिसके अंदर एक कम्युनिटी है वो अपने एनवायरनमेंट को खुद ही चेंज कर रही है और उसको अपने लिए ही अनफेवरेबल बना रही है, तो क्या होगा? एंड कॉजिंग इट्स ओन रिप्लेसमेंट, जिसकी वजह से उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, उस स्पीशी की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, कि उस कम्युनिटी की रिप्लेसमेंट हो जाएगी किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोजेनिक सक्सेशन बोलेंगे। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है ज़ीरार्क और ज़ीरोसियर सक्सेशन डैट अकर्स एट रॉक्स, रॉक्स में जो सक्सेशन होती है। अब ये हमारे पास जो ज़ीरार्क, ज़ीरोसियर, हाइड्रोसियर, लिथोसियर, ये सारी सक्सेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं और इनको हम एक एक करके डिटेल्ड इनकी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। आगे हमारे पास है एलोजेनिक सक्सेशन। जो एलोजेनिक सक्सेशन है वो ऑटोजेनिक सक्सेशन का बिल्कुल उल्टा है। ऑटोजेनिक सक्सेशन में एक कम्युनिटी अपने ही एनवायरनमेंट को चेंज कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, लेकिन एलोजेनिक सक्सेशन में एक कम्युनिटी चेंज हो रही है कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से, उसमें उस कम्युनिटी का अपना कोई रोल नहीं होता। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स है सॉइल चेंजेस ड्यू टू इरोजन, इरोजन की वजह से सॉइल चेंजेस आ रही हैं, लीचिंग एंड डेपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड क्ले। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। इट इज़ करेक्टराइज बाई अर्ली एंड कंटिन्यू डोमिनेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी सक्सेशन है जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं, ये उस कम्युनिटी के डोमिनेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं। इट बिगन्स इन ए प्री डोमिनेंटली इन ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। ये हमारे पास किस एनवायरनमेंट में होगी? इन ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में होगी। एंड इनर्जी फ्लो इज़ मेंटेन्ड इनडेफिनेटली। इनर्जी फ्लो जो होगा वो इनडेफिनेट होगा। देर इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा? ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, सपोर्टेड बाय एनर्जी फ्लो, जो कि एनर्जी फ्लो की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हिटरोट्रॉफिक सक्सेशन। हिटरोट्रॉफिक सक्सेशन इज़ करेक्टराइज्ड बाय अर्ली डोमिनेंस ऑफ हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स। अब इसका है सक्सेशन के अंदर जो हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स हैं ये डोमिनेंट होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज और एनिमल्स, ये सारे हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स हैं, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इट बिगन्स इन ए मीडियम विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। अब ये सक्सेशन वहाँ पर होगी जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा। ठीक है, सच एज स्मॉल एरियाज ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स है जहाँ पर हिटरोट्रॉफिक सक्सेशन होती है। दीज आर पूल्ड हैविली विद सीवेज और इन ए स्मॉल पूल्स रिसीविंग लीफ लिटर इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर आया ये कहाँ से आएगा? सीवेज से, और इन स्मॉल पूल्स, स्मॉल पूल्स में आएगा कहाँ से? आएगा लीफ लिटर से, जो कि जिनके अंदर स्मॉल क्वांटिटीज में ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंड्यूस्ड सक्सेशन। इंड्यूस्ड सक्सेशन क्या है? इसको इंड्यूस करवा रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन हैव पावरफुल इफेक्ट
इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम्स एंड दी वे दे चेंज। अब जो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये इकोसिस्टम को भी चेंज कर रही हैं, और इकोसिस्टम जिस तरीके से चेंज होना है उस तरीके को भी चेंज कर रही हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन इंड्यूस्ड सक्सेशन। एक्टिविटीज़ सच एज ओवर ग्रेजिंग, मतलब एक एरिया ऐसा ग्रास लैंड है वहाँ पर 100 जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो ग्रेज कर सकते हैं, वहाँ पर उसको घास को खा सकते हैं, लेकिन उस 100 की जगह हम उनका नंबर 1000 कर दें तो क्या होगा, वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी। फ्रीक्वेंट स्क्रैपिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में कॉज डेट्रियोरेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। हम अपने ही इकोसिस्टम को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। देखें, हम पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज़, उसके बाद हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, CFCs जो हैं, उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, सल्फ़र ऑक्साइड्स, इन सब को पैदा करती हैं। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स और सल्फ़र ऑक्साइड्स हैं, ये सारे जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं एसिड रेन का बाइस बनेंगे, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कंबस्शन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। तो हम अपने ही इकोसिस्टम को अपने ही लिए क्या कर रहे हैं, अनफेवरेबल बनाते जा रहे हैं। हमारे पास है रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन क्या है कि एक हमारे पास फ़र्ज कर लें क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, और उस क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से कोई ऐसा चेंज आया है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी चेंज होना शुरू हो गई है सिंपलर और लेस डेंस कम्युनिटी में, ठीक है। अब लेस डेंस कम्युनिटी भी हो सकती है इम्पोवरिश फॉर्म भी हो सकती है, कि उसके बाद न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होना शुरू हो गए हैं। रिटर्न टू सिंपलर एंड लेस डेंस और इवन इम्पोवरिश फॉर्म ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम एन एडवांस्ड और क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ नाउन एज रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। इन मोस्ट केसेज द कॉजेज आर एलोजेनिक। एलोजेनिक कॉजेज मतलब कि वो कम्युनिटी खुद वजह नहीं है ऐसी सक्सेशन की, बल्कि एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है, मोस्ट ऑफ आवर नेचुरल फॉरेस्ट स्टैंड्स आर डिग्रेडिंग इंटू श्रब्स। हमारे बहुत से फॉरेस्ट्स हैं वो किस में चेंज होते जा रहे हैं, श्रब्स में, मतलब वहाँ पर जो हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी वो तो ट्रीज़ थे, लेकिन ट्रीज़ किस में चेंज होते जा रहे हैं, श्रब्स में चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। बायोडायवर्सिटी ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एनिमल्स को ग्रेज करवाते जा रहे हैं, जो सराउंडिंग विलेजेस हैं वहाँ से भी एनिमल्स आ रहे हैं और उस ग्रास लैंड पर ग्रेजिंग करते जा रहे हैं, वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास ट्रीज़ हैं वो ख़त्म होते जाएंगे और श्रब्स, सिर्फ श्रब्स रह जाएंगे, और इवन अगर हम और ज़्यादा ग्रेजिंग करवाएंगे तो श्रब्स भी ख़त्म होते जाएंगे। तो इस तरह सिंपलर फॉर्म में एक कम्युनिटी चेंज होती जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक सक्सेशन। देखिए, जो हमारे पास सक्सेशन है, हमें पता है कि प्लांट या फिर एनिमल कम्युनिटी अगर एक कम्युनिटी से किसी दूसरी कम्युनिटी में चेंज होती जा रही है। अब देखें, अगर हमारे पास एक है पायोनियर कम्युनिटी जो हमने स्टडी किया पहले, जो सबसे पहले जो कम्युनिटी फॉर्म होती है, और वो चेंज हो रही है क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। अब ये जो पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर चेंज हो रही है, इसके अंदर और भी बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जिसमें कम्युनिटी चेंजेस होती हैं। अब इन स्टेजेस का हम बोलते हैं सीरल स्टेजेस, ठीक है, या ये जो कम्युनिटीज़ बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं सीयर्स, ठीक है। पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी के तक जाते हुए जो हमारे पास कम्युनिटी की चेंजेस आती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सीयर्स, और इन स्टेजेस को बोलते हैं सीरल स्टेजेस, ठीक है। अब ये जो सक्सेशन के प्रोसेस में डिफरेंट स्टेजेस आ रही हैं, अगर वो बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, रिपीटेड अकरेंस हो रही है उनकी, तो उसे हम बोलेंगे साइक्लिक सक्सेशन, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेशन है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे हमारे पास है हाइड्रोसियर, ये एक ऐसी सक्सेशन है जो कहाँ पर होगी, जहाँ पर वाटर क्या होगा, प्लेंटी ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट होगा, पानी बहुत ज़्यादा होगा, जैसे पॉन्ड्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स, फैम्स, बोग्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिजोसियर और मिजार्क। मिजोसियर हमारे पास कहाँ पर होती है, वेयर एडिकेट मॉइस्चर कंडीशंस अवेलेबल, जहाँ पर मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उतना सा मॉइस्चर मौजूद है, तो उस जगह पर होने वाली, उस एनवायरनमेंट में होने वाली सक्सेशन को बोलेंगे मिजोसियर सक्सेशन। सक्सेशन ऑन एल्यूवियल डिपॉजिट्स, ये हमारे पास एग्जांपल है मिजोसियर की। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरोसियर और ज़ीरार्क, वेयर देयर इज़ प्रेजेंट मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जहाँ पर वाटर जो है बहुत मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, स्कार्सिटी होगी वाटर की, तो उसे हम उस जगह पर होने वाली सक्सेशन को बोलते हैं ज़ीरोसियर। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है डिज़र्ट्स में जो होती है
रॉक्स में होती है, सैंड्स में होती है। अब जो सक्सेशन रॉक्स में होगी उसे हम बोलेंगे लिथोसियर, और जो सैंड में होगी सक्सेशन उसे बोलेंगे सेमोसियर। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोसियर सक्सेशन, वो सक्सेशन जो सलाइन वाटर में या फिर सलाइन सॉइल में हो रही है, तो ऐसी सक्सेशन को बोलेंगे हेलोसियर। नेक्स्ट हमारे पास है सिर्यूल मिनिएचर सक्सेशन, मतलब जो बहुत ही लो स्केल पर हो रही है सक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जैसे बैक्टीरियाज हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई एज ऑन फॉलन लॉग्स ऑफ डिकेइंग वुड, जो हमारे पास डिकेइंग वुड है उनके लॉग्स में जो हमारे पास डिफरेंट फंजाई या बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं उन्हें हम बोलेंगे मिनिएचर सक्सेशन, और इसका टेक्निकल जो टर्म है वो है सिर्यूल। ठीक है, सो गाइज ये हमारे पास था जितनी भी बेसिक सी सक्सेशन की। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इन सब को डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे कि हाइड्रोसियर है, मिजोसियर है, जीरोसियर है, हेलोसियर है, सिर्यूल है। ठीक है, इन सब की डिटेल स्टडी करनी है। अब जब तक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो इनको स्टडी करना मुश्किल होता जाएगा, तो आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में कोई भी परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।